बलिया से बीजेपी के मंत्रियों को हराने के बाद भी सपा के विधायक खुश क्यों नहीं? अदाब, आप देख रहे हैं भारत मीडिया, खबर यूपी के बलिया जनपद से। बलिया जिले में बीजेपी सरकार के दो बड़बोले मंत्री चुनाव हार गए हैं। पिछले बार बलिया से चुनाव जीते आनंद स्वरूप शुक्ला, जहां इस बार बैरिया से चुनाव लड़ रहे थे, वहां से चुनाव हार चुके हैं। वहीं फेफना से उपेंद्र तिवारी चुनाव हार गए हैं। आइए देखते हैं दोनों को हराने वाले सपा प्रत्याशी जो विधायक चुने जा चुके हैं, उनका क्या कहना है। जीत के बाद भी इतनी खुशी क्यों नहीं? बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल ने बीजेपी के बड़बोले मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को हराने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आपने बीजेपी के मंत्री को हराया है, उनका कहना था कि हम तो सरकार को हराना चाहते थे। जिले में बीजेपी सरकार के मंत्री रहे उपेंद्र तिवारी को हराने वाले संग्राम सिंह यादव ने कहा कि आज का दिन जनता का है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, और हम शुक्रगुजार हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सभी को धन्यवाद देते हैं। बलिया से भारत मीडिया के लिए हसन खान की रिपोर्ट। चलिए, बधाई दे रहा हूँ आप लोगों को, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता को और जनता को। मार्जिन लगभग 13,000 तक। आप एक मंत्री को हराया और अपने क्षेत्र में, हम लोग सरकार को हराना चाहते थे। अभी तो हम लोग, मैं विधानसभा के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मान्य अखिलेश यादव जी, जिनके वजह से हम ये विजय हासिल कर पाए। और आज केवल बधाई और आभार व्यक्त करना ही काम है, बाकी चीजें बाद में बात होगी। उत्तर प्रदेश के साथ खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।